हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास है एक एलईडी स्ट्रिप लाइट जो हम लोग टीवी के बैक लाइट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर के सीलिंग पे, फॉल सीलिंग पे या कहीं पे भी बैक लाइट के तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ दिनों से ये ढूंढ रहा था फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, तो फाइनली मैंने ये गेस्टो का ये 5 मीटर वाला ख़रीद लिया, तो जिसका कॉस्ट आया मुझे 1099 रुपीज़। तो इससे पहले एक्चुअली मैं ये देसीदिया कंपनी का भी ये वाला ख़रीदा था। तो इसका क्या था कि ये वाईफाई एनेबल्ड है और ये मोबाइल से कंट्रोल होता है, एलेक्सा भी है इसके अंदर बिल्ट इन, तो वॉइस कंट्रोल और म्यूज़िक सिंक भी है। तो मैं ये सब देख के मैं टीवी के साथ अटैच करूँगा सोच के ये पहले देसीदिया का ऑर्डर किया था। बट ये जब मेरे पास आया तो उसमें इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है 5 मीटर का है, तो दो रील सेपरेट आता था, मतलब डिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा हुआ है तो दो रील आना चाहिए 2.5 मीटर करके, और इसके साथ एक ये कंट्रोलर और एक पावर अडेप्टर ये सब आना चाहिए। बट जब मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया उसमें सिर्फ ये पावर अडेप्टर था और एक स्ट्रिप था, तो मैंने उसको फिर रिटर्न कर दिया और उसके जगह मैंने ये गेस्टो का ये ऑर्डर किया। कल ही ऑर्डर किया तो आज मुझे डिलीवरी मिल गया, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस का था, तो इसमें 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा, बट इसमें मुझे एक्स्ट्रा रिमोट मिल गया और उसमें वो आया ही नहीं था। तो एनीवेज तो चलो मैं ये बॉक्स दिखा देता हूँ और ये कैसा है वो भी दिखा दूँगा। मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ नया नया चीज़ के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कि मुझे बस आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाना था अमेज़ॉन पे, तो इसलिए इसको ओपन किया। तो और ये वाला जो बॉक्स आज आया है मैं इसको ऑलरेडी ओपन करके देखा, क्योंकि आप लोगों को दिखाने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं खुद देख लूँ तो बॉक्स कैसे आया है, उसके लिए मैं फिर एक बार बॉक्स में डाल के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसे अलग से गेस्टो का कोई पैकेजिंग नहीं है, इधर पे ये रिमोट आया था ऐसे, ये ब्राइटनेस अप डाउन ऑन ऑफ करने का है और कलर चेंज का है, फ्लास स्ट्रोब फेड स्मूथ ये सब कुछ मोड है और इतने सारे कलर्स आप लोग चेंज कर सकते हो इस रिमोट से डायरेक्टली। इसमें बैटरी भी अंदर दिया हुआ है तो इसको रखता हूँ और ये आया था बस, और इसमें एक मैनुअल आया है और बिल आया है, तो ये है इसका यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे कनेक्ट करना है। और कैसे इसको मतलब वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है वो सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है इधर पे, कौन सा ऐप कैसे कनेक्ट करना है तो मैं पूरा बता दूंगा। तो इस सब को पहले साइड में रखता हूँ और क्या क्या है दिखा देता हूँ। इसमें एक्चुअली ये एक चार्जर आया है, ये लिखा हुआ है कितना 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का है, जुलाई 2023 मैन्युफैक्चरिंग है इसका। इधर पे एक एलईडी है इसका, जब ये पावर में जाता है तो ये ग्लो करता है। तो ये रहा और है इसके साथ गया। ये आया है एलईडी स्ट्रिप, ठीक है, ये स्ट्रिप आया है, ये एक एक्सटेंशन कनेक्टर भी दिया हुआ है इधर पे, मतलब इसको इधर पे डाल के इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हो आप लोग तो वो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और ये पूरा 5 मीटर का एक ही रील में दिया गया है, तो चलिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ऑन करते हैं, इसका ऐप कौन सा है। तो दोस्तों मैंने बाकी सब हटा दिया और ये जो दो पिन है ये पावर केबल ऑलरेडी मैं प्लग में डाल दिया, इसको इधर पर डालना है ऐसे बस, ये कनेक्ट हो गया। और इधर पे ये QR कोड दिया हुआ है वाईफाई कनेक्शन के लिए, तो मैंने ऑलरेडी वो QR कोड स्कैन कर लिया था, आप लोगों को फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मैजिक होम प्रो करके एक ऐप आता है, इसको आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, तो
तो मैंने प्ले स्टोर से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो इसको ओपन करता हूँ। पहले आप लोगों को ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्लस बटन है, इससे डिवाइस ऐड करना पड़ता है। तो ऐड डिवाइस करके होता है, तो जब ऐड डिवाइस हो जाएगा तो तब वो यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, तो मतलब ऐड कर चुका हूँ, तो वो दिखा रहा है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ सबसे पहले। तो अभी पावर ऑन कर दिया। अब ये रिमोट से इसको पहले ऑन करना पड़ेगा। तो मैं बैकलाइट थोड़ा ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कैसा है इसका लाइट। और ये देखिए इधर पे ये ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा रहा है। तो इसको अभी रखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये मोबाइल के ऐप से इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेड है, अभी उसको ग्रीन कर देता हूँ। देखिए पूरा ग्रीन हो गया वो। अभी उसको ब्लू करता हूँ, तो ये पूरा ब्लू हो गया, पिंक हो गया। तो ये ऐप से डायरेक्टली आप लोग कुछ भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसमें मल्टीपल मोड है एक्चुअली। ये कलर मोड है, और उसके बाद ये है फंक्शन मोड। इधर पे आप लोग चेक कर सकते हो कोई भी 7 कलर प्रोस्पेक्ट जैसा है। तो और यहाँ से स्पीड में इंक्रीज कर दिया तो ये चेंज होता जाएगा 7 कलर्स, तो वो क्रॉस फेडिंग में चेंज होता जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट है, तो ये रेड का ही ग्रेडियंट चेंज होगा। तो ब्राइटनेस और टाइमिंग स्पीड सब चेंज कर सकते हैं हम लोग इससे। फिर यहाँ पे है 7 कलर स्ट्रोब, तो ये ऐसे फ्लैश करता रहेगा। फिर है 7 कलर जंपिंग, तो ये बस ऐसे चेंज होता जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ पे इसको पूरा मोबाइल से भी कनेक्ट करके चेंज कर सकते हो, और फिर यहाँ पे मतलब रिमोट के हेल्प से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं रिमोट में यहाँ पे चेंज करता हूँ, कुछ रेड कर दिया तो वो रेड हो गया। फिर यहाँ पे मैं फिर से रिमोट से दबाता हूँ, ब्लू, ग्रीन। तो ऐसे रिमोट से भी कर सकते हैं या फिर ये मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल से भी ऑन ऑफ हो जाता है। इसका एक चीज है, यहाँ पे इसको अगर हम लोग वाईफाई डिसकनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो ये एक्चुअली ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से कनेक्ट होता है। अभी वाईफाई डिसकनेक्ट कर दिया तो ये अभी इसमें कोई कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा, डिवाइस ही नहीं दिखेगा इधर पे। अब वाईफाई ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन कर दिया, इधर पे ये लाइट दिखा रहा है, अभी यहाँ पे आ गया। चेंज करूँ तो चेंज हो जाएगा। अभी ये माइक से कंट्रोल हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए इसका वॉइस से इसका चेंज हो रहा है। जो भी मैं बात करूँगा उस हिसाब से ये लाइट डिमिंग हो जाएगा। तो आप यहां से ये सब कलर आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको अगर चाहिए तो यहां से नया कलर आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली यहां पे जाके। आप लोग को एक बार दिखा देता हूं कैंसिल। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो आप लोग कि 5 कलर सेट किया हुआ है मैंने। तो यहां पे प्लस में गया और कोई भी कलर, जैसे ये ऐड, तो ये ऐड हो गया ब्लू। अभी नेक्स्ट टाइम जो भी चेंज होगा तो उस सीक्वेंस में ये ब्लू कलर भी आएगा। आप लोगों को अगर सेम कलर का चाहिए कि हाँ सेम कलर ही सिर्फ मतलब ऑन ऑफ होगा या ब्राइटनेस चेंज होगा वॉइस के हिसाब से या म्यूज़िक के हिसाब से, तो आप लोगों को यहाँ पे ये सब रिमूव कर देना है। ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट या कैंसिल का,
तो आप लोग यहाँ पे अगर डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये माइक कंट्रोल है, ये म्यूज़िक कंट्रोल है। तो यहाँ पे मैं आप लोग कोई प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो लोकल या ऑनलाइन कुछ भी, और करके उसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो ये म्यूज़िक के हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर और कुछ मोड भी है, जैसे फेड इन फेड आउट, ग्रेजुअल, या फिर जंपिंग, या फिर स्ट्रोब। तो ये सारे मोड जैसे इसमें भी है, माइक्रोफोन में भी है और म्यूज़िक मोड दोनों में है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ म्यूज़िक इस माइक्रोफोन मोड में अभी दूसरे फ़ोन से कुछ म्यूज़िक प्ले करके सुनाता हूँ, जैसे मैं कुछ NCS वाला म्यूजिक प्ले करता हूँ उसका। इवन इसका और एक मोड भी है इसमें, जो है इसका सिनेमा मोड। तो इसमें क्या होता है, सिनेमा मोड में आपका अगर टीवी चल रहा है, टीवी का बैकग्राउंड में आप लोग ये लाइट ऑलरेडी सेट कर चुके हो, तो उसके बाद इसका ये स्ट्रिप के पीछे एक्चुअली इसमें ग्लू लगा हुआ है, तो आप उससे डायरेक्टली टीवी के पीछे एज ए बैकलाइट आप यूज़ कर सकते हो, इसको चिपका सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने के बाद ये कर क्या बोल रहा है कि ये टीवी की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे मैं टीवी के पीछे जब सेट करूँगा तो दिखाऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग कुछ इसको ही प्ले कर देता हूँ। तो ये सिनेमा मोड में दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसका इसको एक्चुअली टीवी की तरह पॉइंट करना पड़ेगा। तो टीवी में पॉइंट करने के बाद इसका मोबाइल का कैमरा उसका कलर पिक करेगा, एंड उसके हिसाब से ये वाला जो लाइट है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इधर पे जैसा कलर चेंज हो रहा है, मतलब स्क्रीन में जैसा हो रहा है मैं उसको इधर पे देख रहा हूँ, तो इसका कलर भी वैसे ही चेंज हो रहा है। तो ये टीवी में डालने के बाद ये कैसा लगेगा वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अलग से। तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब इस प्राइस पॉइंट में 1000 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट में LED 5 मीटर का LED स्ट्रिप विथ रिमोट, एंड फिर मोबाइल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वाईफाई एनेबल्ड है, इसमें एलेक्सा भी है, बट वो मुझे अभी तक नहीं पता कैसे वो काम करता है। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका जो बाकी फीचर है वो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को अगर ख़रीदना है तो आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे ये एक भी एक और चीज़ बोलना है कि मतलब ये मैंने पहले देसीदिया कंपनी का ख़रीदा था, फिर मैंने ये गेस्टो का लिया, और देसीदिया कंपनी का भी सेम आया था बट उसमें ये कंट्रोलर नहीं आया था, इसलिए उसको रिटर्न करना पड़ा। उसका रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला मुझे अमेज़ॉन से, बट पता नहीं हो सकता है दे दे। और ये वाला जो आज आया है इसमें पूरा सेट आया है, तो उसको मैं ऑन ही नहीं कर पाया था, उसको चेक भी नहीं कर पाया कि उसका ब्राइटनेस कैसा है, बट चलो एटलीस्ट ये वाला तो ठीक ठाक आया। बट इसका अभी एलेक्सा कैसे काम करेगा मुझे पता नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाला LED स्ट्रिप टीवी के पीछे लगाने के बाद वो कैसा लगता है, उसका इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।